बहुत बहुत स्वागत है। वाओ जया बाबी, वेलकम के लिए इतने सारे लोग। कैरी बहन, आपने अचानक आके हम लोगों को सरप्राइज दिया ना, इसलिए आज हमने अचानक आके आपको सरप्राइज दिया। एक मिनट, जरा साइड जाना। अच्छा, आओ कैरी। आई आई आई, ओके। यू लाइक इट? It's amazing. मैंने first time खाया है। अरे अच्छा। क्या कहते हैं इसे? इसको कोल्हापुर की झणझणीत मिसळ। Wow, that's a long name. I'll tell you. Madhi, तू पण काय आहे? It's called मिसळ. मिसळ. हाँ. मिसळ. Wow, mind blowing. अरे पता है कैरी बहन, ये हमारे भिड़े बहन है ना, वो तो आचार पापड़ का सेलिंग भी करते हैं। वो क्या बिजनेस वुमन है। Really? Yes. और सोनू के पापा, माय हस्बैंड, वो भी मुझे बिजनेस में बहुत मदद करते हैं। आई एम इंप्रेस्ड मिस्टर बीडे। थैंक यू मिस कैरी। वैसे माधवी को हेल्प करने के साथ साथ मैं इस गोकुलम सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। रत्नागिरी माय नेटिव प्लेस इन महाराष्ट्र, वहाँ पे क्रेडिट सोसाइटी है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा कंज्यूमर अवेयरनेस का डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी, प्लस मुंबई टीचर एसोसिएशन का भी मैं सेक्रेटरी हूँ। वो भीड़े भाई, मुझे लगा कि आप सिर्फ अपनी ही सोसाइटी का सेक्रेटरी है, पर आप तो कितनी सारी सोसाइटी का सेक्रेटरी निकले। अरे नहीं नहीं देवा भी, ये सारी सोसाइटियां नहीं है एक्चुअली। लेकिन मिस्टर बीरे, आपका एक्चुअल प्रोफेशन क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं भारत के भविष्य का निर्माण करता हूँ। हाँ, क्या मतलब? आई एम टीचर बाय प्रोफेशन। रियली? आप बहुत मल्टी टैलेंटेड है। और माधवी भाभी, आप बहुत लकी है जो ऐसे पति मिले हैं। ये भी उतने ही लकी है। वो तो है। हाँ, देखा? आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी। अरे कैरी बहन, अभी तो सोसाइटी के बाकी लोगों को मिलने बाकी है। बहुत अरे ये क्या दया भाभी? दया भाभी अभी कैरी पे कच्ची कैरी गिरा दी। अरे उनको कुछ बोलने के लिए तो कैरी बहन, कोमल भाभी के हाथ का सभी नाश्ता इतना टेस्टी होता है कि बात ही मत पूछो। हाँ कैरी, ये सब तुमको ही खत्म करना है। मुझे अरे बस मेरा पेट भर गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कोमल, तुम टेंशन क्यों लेती हो? अगर ये सब खत्म नहीं हुआ तो मैं हूँ ना। हाँ कैरी बहन, अगर तबियत में कुछ गड़बड़ हुई ना तो हाथी भाई की दवा भी टेस्ट कर लेना। सही बात है। Really, Anjali Babi, सभी से मिलकर ऐसे लगता है जैसे मैं बरसों से सबको जानती हूँ। है ना? वैसे पता है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ही ऐसी। एक बार जो इंसान यहाँ आ जाता है, बस यहीं का बन के रह जाता है, जाने का मन ही नहीं करता। हाँ। वैसे एक बात बताओ, कहाँ किस होटल में ठहरी हो तुम? अरे अभी होटल वोटल नहीं मेहता साहब। अभी कैरी यहाँ रहेगी। यहाँ मतलब हमारे साथ? हाँ, रह सकती है। अंजलि भाभी, यहाँ मतलब आपके घर पे नहीं, यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में। ओ मोहनलाल भाई का फ्लैट खाली है ना? हाँ हाँ, उधर बंदोबस्त किया कह रे। अरे वाह वाह, माता जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये तो बहुत अच्छा हो गया। दो दिन के बाद नवरात्रि शुरू हो रही है। कैरी, हम तुम्हें गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि दिखाएंगे। हाँ कैरी बहन, बहुत मजा आएगा और जमकर डांडिया खेलेंगे। Thank you.
कन्या, मैं क्या कहती हूँ कि दो दिन के बाद नवरात्रि है, तो इस बार नवरात्रि हम पिछले साल से भी ज्यादा जोश से मनाएंगे। अरे क्या दया भाभी, ये भी कोई कहने की बात है। हाँ दया भाभी, देखिए हर साल की तरह इस बार भी हम लोग नवरात्रि में अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह से निभाएंगे। यस। हाँ, और इस बार तो कैरीबियन भी हमारे साथ है, तो नवरात्रि में और भी मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। हाँ, मैंने इंडिया की नवरात्रि के बारे में बहुत सुना है। अरे कैरी, तुम एक बार दया भाभी का गरबा देख लोगी ना, तो नवरात्रि मनाने के लिए हर साल गोकुलधाम सोसाइटी में ही आओगी। हेलो एवरीबॉडी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बस मजे में है। कैरी जी, आपका फ्लैट एकदम फर्स्ट क्लास हो गया ना? हाँ। मैं तो कहता हूँ कि दिन हो या दोपहर हो, आपको कभी भी मुझसे कोई काम हो या ना हो, फिर भी इस नाचीज को याद कीजिएगा। अरे वाह, मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। Yeah, sure. Thank you. Okay. Now, if you don't mind, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं चलूँ? यू नहीं, आप घर पर जाइए और आराम से आराम कीजिए। हाँ, कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? कैरी जी, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय। पोपटलाल भाई, क्या बात है? कब से देख रही हूँ कि कैरी जी का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। क्या बात है पोपट जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अब आप लोगों से क्या छुपाऊं मैं? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। जब से मैंने कैरी को देखा है ना, मेरे मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। पत्रकार को पेन मिल गई। हाँ। अगर दया भाभी चाहेंगी ना तो मेरी ये जोड़ी जम सकती है। क्या दया भाभी? हाँ। प्लीज मेरे लिए कुछ कीजिए ना। देखिए पोपट भाई, केरी बेन को आया भी एक ही दिन हुआ है। चलेगा, मुझे चलेगा। अरे मेरी बात तो सुनिए, तो अभी आए हुए मेहमान से इस तरह की बात करना जरा ठीक नहीं है। बराबर है पोपटलाल भाई, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, क्यों? हाँ, थोड़ा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। नहीं हाँ। अरे हाँ, मुझे टाकू का नाश्ता भी बनाना है। यस यस, चलिए। गुड नाइट, बाय बाय। चलो करेंगे करेंगे। हे माता जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस नवरात्रि में मैं कैरी के साथ जोड़ी में गरबा खेलूं और नवरात्रि के बाद मेरी जोड़ी जम जाए। ये टीवी की साउंड सिस्टम सब सबसे बढ़िया और कमाल की है। इस टीवी में अगर आप बारिश का सीन देखोगे तो आपको रेनकोट पहनना पड़ेगा, साथ में छाता भी रखना पड़ेगा। क्यों, टीवी में से बारिश होगी? नहीं नहीं, इसका साउंड सिस्टम ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे सचमुच में बारिश हो रही है। तो ठीक है, ये टीवी दे दीजिए। ये हुई ना बात। अरे बहू जी, बापू जी, ये आरती की नई चोपड़ी तो बहुत अच्छी है। हाँ? इसमें एक से बढ़कर एक माता जी की नई आरती है, बाद में पढ़ लेना। लेकिन बापू जी, मुझे तो सारी आरती याद है, गा के सुनाओ। नहीं सुना सकती, अभी काम है इसलिए। टप्पू बेटा, कहाँ जा रहे हो? मम्मी कल नवरात्रि है ना, इसीलिए टप्पू सेना नवरात्रि की तैयारी कर रही है। अरे वाह बेटा वाह। अरे ये क्या मम्मी, नवरात्रि के लिए तुम ये चनिया चोली पहनोगी? हाँ, मुझे ये चनिया चोली बहुत पसंद है। मम्मी, ये चनिया चोली तुमने पिछले साल भी पहनी थी, इस साल टप्पू की मम्मी नई चनिया चोली पहनेगी। लेकिन बेटा, नहीं मम्मी, इस साल टप्पू की मम्मी नई चनिया चोली पहनेगी, बस। ठीक है, मैं नई चनिया चोली पहनूंगी, बस खुश। हेलो, अरे हाँ बोल बोल कंदीड़ा। अरे हाँ तो चलो, मैं तो तैयार ही हूँ।
क्या अभी? ठीक है हाँ। क्या हुआ बापूजी? अरे बहू, हमारे सीनियर सिटीजन ग्रुप वालों ने अचानक माताजी के दर्शन के लिए अंबाजी जाने का प्रोग्राम तय किया है, तो मैं भी जा रहा हूँ। अरे वाह बापूजी, आप कितने नसीब वाले हैं कि नवरात्रि में अम्बा माँ के दर्शन होंगे। कब जा रहे हैं? बस अभी निकलना है। हाँ, अभी तो बापूजी मैं आपके लिए थेपला बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे बहू। टप्पू, जेठा को फोन लगा। हेलो। हेलो पापा, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। दादाजी को आपसे बात करनी है। हाँ दे। यार जरूर टप्पू को कुछ चाहिए होगा, इसीलिए दादाजी से मनवा रहा है। हेलो जेठा। हाँ बाबूजी बोलिए। मैं सीनियर सिटीजन ग्रुप के साथ अंबाजी जा रहा हूँ दर्शन के लिए। कभी? आज ही जा रहा हूँ। आज ही? हाँ। अच्छा ठीक है, तो जरा संभाल के जाना बाबूजी, हाँ, और हम सब की तरफ से दर्शन करना। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बाबूजी। टपूड़ा, मैं कुछ दिनों के लिए अंबाजी जा रहा हूँ, तो तू और तेरी टप्पू से ना नवरात्रि में सोसाइटी की सजावट एकदम मस्त करना है। जी दादाजी। हाय चापू। हाय। चलो ये हो गया। बैठिए। वाओ, नवरात्रि में बहुत मजा आएगा। ऑफ कोर्स। कैरी, तुम्हें पता है कि नवरात्रि का सही महत्व क्या होता है? हाँ, 9 दिनों तक डांडिया खेलते हैं। सिर्फ डांडिया ही नहीं खेलते, इस नवरात्रि के 9 दिन में सारी औरतें माताजी की पूजा करती है, अर्चना करती है, आरती करती है, 16 श्रृंगार करके माताजी का स्वागत करती है, और कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन में माताजी स्वयं पृथ्वी पे आके सबको आशीर्वाद देते हैं। हाँ। तो ये है नवरात्रि का महत्व। तो, हाँ। तो चलो ना, अभी से ही गरबा शुरू कर देते हैं। अरे दया भाभी, शुरू हो गई दया भाभी। अरे कैरी को भी करने लगा है। अरे दया भाभी। ओ कैरी कैरी, क्या जोड़ी जमेगी हमारी। पोपट कैरी कैरी पोपट, एक का मतलब होता है पक्षी, दूसरे का मतलब होता है फल। कुदरत ने हमें मिलाने के लिए ही बनाया है, पर इन सब औरतों के बीच में जाकर कैसे मिलूं? बैठ जाओ, कल से क्या करूं। यस अब्दुल, हाँ पोपट भाई। अब्दुल, इन सब के लिए ना हम मस्त मसाला सोडा लेकर आते हैं। आपका बर्थडे है? नहीं। तो फिर? हाँ भाई बर्थडे है, चल ना भाई चल। अच्छा दया बहन, हाँ वैसे नवरात्रि के लिए नई चनिया चोली खरीदी के नहीं? हाँ हाँ। क्या अभी नई चनिया चोली खरीदनी बाकी है? ओ वाओ, चनिया चोली, मुझे भी चनिया चोली पहनी है। हाँ हाँ, मैं भी सोच रही हूँ इस बार नई चनिया चोली खरीदूँ। हाँ। काम करते हैं, कल हम सब मिलके नए चनिया चोली की शॉपिंग करते हैं। हाँ, आइडिया। आपको पता है हमारे अहमदाबाद में अलग अलग तरह की चनिया चोली मिलती है। मैं तो कहती हूँ चनिया चोली हो तो अहमदाबाद की हो, वरना ना हो। ये बात तो 16 ने सच है। कम ऑन दया भाभी, चनिया चोली खरीदने के लिए अहमदाबाद जाए? बच्चो भैया, आओ सब आओ। भाई आज पत्रकार पोपटलाल की तरफ से सबको मसाला सोडा। अरे किस खुशी में पोपट जी? बस यू ही। ओहो यू ही। ओहो बच्चों भाई सोडा लो।
थैंक यू। ये लो, सबको सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। थैंक यू। ये लो, आ गया। कैरी, दिस इज फॉर यू। वन मिनट। तो ये है कारण। देखो, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। लेकिन मुझे नहीं पीना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कर पे ऑरेंज जूस पिया। So sad. Orange juice तो मेरा भी एकदम फेवरेट है। Oh, that's so nice. अरे वाह पोपट भाई, आपका और क्या क्या फेवरेट है ये भी बता दीजिए कैरी को। हाँ बताइए बताइए। क्या आप लोग भी? अब बिल्कुल लड़की हो। क्या? मतलब बिल्कुल लड़की की तरह शर्माते हो। बराबर। पोपट अंकल, सोडे के लिए थैंक यू। थैंक यू। वेलकम वेलकम। हाँ पोपट, थैंक यू पोपट भाई। पोपट भाई, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। अंकल चलो आपके घर, आपके बालकनी में लाइट लगाने। नहीं बेटा अभी कुछ नहीं, बाद में बात। अरे अंकल बाद में, मैं टाइम नहीं मिलेगा अंकल, अभी चलिए ना। टप्पू मैंने बोला ना बाद में। बच्ची इतनी जिद कर रहे हैं, जाइए। अरे जाइए ना। कहाँ से जाएंगे दया भाभी, जाना नहीं चाहते। अरे अंकल अंकल प्लीज अंकल, अरे वहाँ पर अंकल अंकल अंकल, चलिए चलिए। अरे चलिए अंकल, पोपट भाई को छोड़ो। अभी ये बताओ कि कल का प्लान क्या करना है चनिया चोली लेने का। अरे प्लान क्या, फाइनल हो गया, कल चनिया चोली लाने जाएंगे अहमदाबाद। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो चलो अब घर निकलते हैं। हाँ हाँ चलो, यही कल चनिया चोली शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। हाँ आप यहाँ है? हाँ क्यों, कुछ काम था? नहीं नहीं ऐसे ही। अब कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो मुझे नए चनिया चोली खरीदने हैं। तो खरीदो, उसमें पूछ क्या रही हो? नहीं यानी सोसाइटी की सभी औरतों को चनिया चोली खरीदने हैं। तो सभी खरीदो। हाँ वो तो खरीदेंगे ही, पर मुझे एक इच्छा हो रही है। ओहो, क्या? अब देखिए, मुंबई में तो अच्छे चनिया चोली मिलते नहीं है, तो क्यों ना कल हम जाके चनिया चोली लेके आए। मतलब किधर जाके लेके आए? अहमदाबाद। क्या बात कर रहे आप? हाँ जाओ, उसमें क्या, सपने में जाके लेके आओ। कि क्या सपने में? देखो अभी हम सोने जाएंगे, हाँ? तुम्हें नींद आएगी, तो नींद में सपना आएगा, तो सपने में जाओ अहमदाबाद लेके आओ। क्या अभी? दया, जो इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता, तू वो सच में करने का प्लान बना देती है। माँ भी यही कहती है कि तुम सबसे अलग हो बेटा।
माँ सही कहती है। देखो ना अभी मैं तुम्हारी गलती निकाल रहा हूँ और तुम मुझे अपनी तारीफ समझ रही हो। वाकई में तुम अलग हो बेटा। चलो 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 अभी सो जा, फिर लेट हो जाएगा। अरे पर अभी कहाँ जाना है? अरे सपने में अहमदाबाद नहीं जाना। चलो चलो। पति पत्नी का जीवन भी लाजवाब है। अगर बैठ के दोनों बातें कर रहे हैं बहुत अच्छे मूड में और उसी वक्त पत्नी मंद मंद मुस्कुरा रही है तो समझ लीजिए कि उसके मन में कोई इच्छा है जो वो पति को बताना चाहती है। और पति उसे पूरा करे ना करे ये डिपेंड करता है पति पे, और उसके बाद क्या हश्र होता है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि हमारे दोस्त जेठालाल के सामने दया भाभी ने इच्छा बता दी अपनी चनिया चोली खरीदने की, वो भी अहमदाबाद से। अब देखिए ये इच्छा पूरी होती है नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इच्छा का क्या है? इच्छा तो पत्रकार पोपटलाल के मन में भी पैदा हो गई है भाई, प्यार की प्रेम की इच्छा लंदन से आई कैरी के लिए। अब इच्छाएं हैं गोकुलधाम सोसाइटी में। इस वक्त देखना ये है कि दया भाभी की इच्छा पूरी होती है या नहीं ये चनिया चोले की। आपको क्या करना है? आप तो हंसते रहिए हर इच्छा के साथ ठाके फ्री तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।